हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं, ये हमने जिससे टायर बदलवाए थे उनके पास। तो यहाँ से हमने जो टायर बदलवाया था उसकी जो हवा है वो लीक कर रही थी, तो हम वापस जा रहे हैं उसको दिखवाने के लिए। तो ये जो है मेन रोड है ओल्ड भोपाल का, गाड़ी यहाँ पे हम मोड़ रहे हैं और देखना पड़ेगा कि ये रहे वो। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये टायर की दुकान है, यहाँ से आप जो है अपनी गाड़ी के टायर बदलवा सकते हैं। और इन भैया का जो कांटेक्ट नंबर है मैं आपको दे दूँगा। ये जो आगे वाला टायर था ना, इसकी हवा थोड़ी सी लीक कर रही है, मतलब 3-4 बार डलवा चुका हूँ मैं, तो शायद छोटा सा होगा या फिर जो भी प्रॉब्लम हो रही हो। हाँ तो देख लो, आप चेक कर लो। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और अब हमारी गाड़ी को मेन स्टैंड पे लगाया जा रहा है। चलो मेन स्टैंड पे लगा देता हूँ मैं। तो ये हमारे जो भाई हैं इनसे ही हम मिले थे और इनसे ही हमने दोनों टायर जो हैं बदलवाए थे। तो अब हम बात करते हैं कि इन टायरों की मतलब जो स्पेशलिटी वो क्या है। ये अपन को कम रेट में, सबसे बढ़िया चीज़ कम रेट में 80-90% मान का मिल जाता है। हाँ ये तो ये जो एरिया है, इस एरिया का बता दीजिए कि लोग बाग यहाँ पर आ सकें। बैरसिया रोड में जो काजी कैंप एरिया कहलाता है, सिंधी कॉलोनी चौराहा से आप अंदर की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको दुकान मिल जाएगी। और भैया का कांटेक्ट नंबर मैं आपको यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंडिंग में दे दूंगा। आरएफ टायर से दुकान का नाम, हाँ आरएफ टायर दुकान का नाम है इसका, मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। चलिए तो हम थोड़े से टायर्स के देख लेते हैं डिटेल्स। तो यहाँ पर बहुत सारे टायर्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और भैया भी गए हैं लाइट जलाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कुछ कुछ यहाँ पे पुराने टायर्स भी हैं और यहाँ पर नए टायर्स भी हैं। तो ये बढ़िया अलग अलग पैटर्न के यहाँ पर आप देख सकते हैं टायर्स हैं। टायर्स की एक डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स बाइक के भी टायर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और बड़े ही अच्छे अच्छे टायर्स होते हैं। और ये जो टायर रहेगा, ये नॉर्मल प्राइस आप मार्केट में जाएंगे CRT या MRF, तो ये टायर आपको लगभग 3 से 3,500 की रेंज में देखने को मिलेगा। बट अगर आप यहाँ से लेते हैं तो ये टायर आपको मिनिमम 1,000 से 1,500 के बीच में देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और टायर का साइज़ आप देख सकते हैं और जिस तरीके का आपको पैटर्न चाहिए, हमने तो ये थंडर वाला पैटर्न लगवाया था और ये भी पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न है, अलग अलग टाइप के पैटर्न है। ये तो काफ़ी नया ही टायर लग रहा है। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे पैटर्न्स हैं। और अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक का टायर चाहिए हो किसी को, तो स्पोर्ट्स बाइक का टायर अलग से आप मंगवा देंगे। स्पोर्ट्स बाइक का जैसे चौड़ा वाला टायर मिल जाएगा, हायाबुसा 140। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटोज़ के टायर भी यहाँ पर रखे हुए हैं और ऊपर भी काफ़ी सारे टायर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टायर। चलिए तो अब बाहर चलते हैं और देखते हैं हमारी व्हीकल जो हमारी होंडा हॉर्नेट है उसमें क्या हो रहा है। तो पंचर मिल गया क्या भैया आपको? जी मिल गया है, थोड़ा एक छोटा सा पंचर था बाहरी के बिल्कुल। हाँ और हाँ ये देखिए, ये रहा पंचर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब मैं आपको इस दुकान का बाहर से व्यू दिखा सकता हूँ, यहाँ पे पंडाल भी लगा हुआ है। और ये बाहर से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ दुकान का। इसके बाजू में एक निशा टायर भी है और ये यहाँ से आप सिंधी कॉलोनी रोड से आते हैं और ये काजी कैंप एरिया रोड है, तो उसके बीच में ये दुकान पड़ती है। वन सिंगल कार्ड में, चलिए कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड है और ये इनके कांटेक्ट नंबर हैं। तो इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, टायर आप यहाँ से ले सकते हैं। और
2000 के अंदर अंदर आपको होंडा हॉर्नेट जैसी बाइक, अगर आपकी और भी अलग पैटर्न हो, जिक्सर हो, जिक्सर एसएफ हो, पल्सर हो या फिर हंक हो, कोई सी भी बाइक हो आपकी, तो 2000 के अंदर आपको आगे वाले और पीछे वाले टायर दोनों यहाँ पर चेंज मिल जाएंगे। लगभग 70-80% जो टायर की क्या बोलते हैं माल रहता है, ग्रुप्स रहते हैं, वो यहाँ पर इस टायर में रहते हैं और कंडीशन भी बहुत अच्छी रहती है। और अगर आप यहाँ पर दा थ्रॉटल का रेफरेंस देंगे तो आपको और थोड़ा सा यहाँ पे प्रिविलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर होंडा हॉर्नेट की ये जो है पंचर बनाई जा रही है। तो अब मैं आपको अपनी जो बाइक में जो टायर यूज़ किया था उसको डिटेल में दिखा देता हूँ। तो ये नया का नया ही टायर है, लगभग थोड़ा सा ही घिसा है। ये आप देख सकते हैं मेरी बाइक में जो टायर यूज़ किया गया था और कंडीशन मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी। और चलिए आगे का टायर का भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे का टायर भी यहाँ पर बहुत, आप इसमें ग्रूव्स देखिए, ग्रूव्स जो है आपको लगभग जो नए टायर में ग्रोथ मिलता है वही यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इनके साथ। तो ये रही दुकान, और जब भी आप विज़िट करें यहाँ पर दा थ्रॉटल कस्टम्स का नाम ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, डू सब्सक्राइब आवर चैनल।